अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। आज जो हम नोवेल पढ़ने जा रहे हैं, उस नोवेल का नाम है द मिल ऑन द फ्लोस, जो कि जॉर्ज एलियट ने लिखा है। जो मिल ऑन द फ्लोस नोवेल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विक्टोरियन नोवेल है, जो कि एक ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है। राइटर की अपनी लाइफ के कुछ इवेंट्स को डिस्कस कर रहा है। इसमें एक कैरेक्टर रहेगा मैगी टुलिवर का, जो कि एक्चुअली में एक कैरेक्टर है राइटर के खुद का। चलें अब हम स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर क्या क्या डिस्कस करना है। नंबर वन पे हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर राइटर का इंट्रोडक्शन देखना है। नंबर टू पे कुछ की फैक्ट्स देखेंगे इस नॉवल के अबाउट। नंबर थ्री पे हम लोग करेक्टर्स लिस्ट देखेंगे इस नॉवल के। फिर हम लोग समरी को डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग थीम्स को डिस्कस करेंगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनकी स्टेटमेंट है, जो कि एग्ज़ाम्स में रिपीटेडली आती रही हैं और आती भी हैं, उनको हम लोग देखेंगे। अभी जो नोवेल है, ये बेसिकली जॉर्ज एलियट ने लिखा है, जिसकी पिक्चर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। इनका फुल नेम है मैरी एन इवेंस। अच्छा, अब जो राइटर है जॉर्ज एलियट, इनका पूरा नाम था मैरी एन इवेंस, ठीक है, जो कि 22 नवंबर 1819 में पैदा हुई थी और 22 दिसंबर 1880 में इनकी डेथ हो गई थी। ये एक इंग्लिश नावलिस्ट भी थी, पोइट भी थी, जर्नलिस्ट भी थी, ट्रांसलेटर भी थी और विक्टोरियन एरा की एक बहुत लीडिंग राइटर भी थी। इन्होंने 7 नॉवेल्स लिखे, जिनके नेम्स आपके स्क्रीन के ऊपर हैं। उसके अलावा अगर बात करें हम लोग इनके सेटिंग्स की, तो सेटिंग जो है वो इंग्लैंड रही है और ज़्यादातर जो इनके नॉवेल फेमस हैं वो रियलिज्म की बेस पे, साइकोलॉजिकल इंसाइट की बेस पे फेमस हैं। इन शॉर्ट, इन्होंने अपनी राइटिंग के अंदर साइकोलॉजिकल रियलिज्म का एलिमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और साइकोलॉजिकल रियलिज्म के यूज़ करने की बेस पे ये फर्स्ट मॉडर्निस्ट नॉवलिस्ट भी कहलाती हैं। ये अपने नॉवल के अंदर चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करती हैं, साइकोलॉजिकल एनालिसिस दिखाई देता है इनके नॉवल के अंदर और ये हम लोगों को विक्टोरियन टाइम पीरियड की एक रियल पिक्चर प्रोवाइड करती हैं। इनका एम्फेसाइज जो है वो इनर कन्फ्लिक्ट और मेंटल स्ट्रगल के ऊपर होता है, जो कि हम मैगी टुलिवर कैरेक्टर में अंदर भी देखेंगे। जो राइटर है उसका कंसर्न टीचिंग्स के साथ साथ एक्शन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा है। इनकी राइटिंग के अंदर हम लोगों को कोई भी सटायर नज़र नहीं आएगा, लेकिन सिंपथी बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। इनके नॉवेल्स के अंदर करेक्टर्स का और सर्कमस्टांसिस का ऑर्गेनिक रिलेशन दिखाया जाता है हमें और मोस्टली जो इनकी राइटिंग है वो ट्रेजेडी बेस्ड है। इसके अलावा ये जो ऑथर है हमारी, इनका नाम जो है, जैसा कि आपने देखा, मैरी एन इवेंस इनका रियल नेम था। इन्होंने फिर भी जॉर्ज एलियट के नेम से जो है नॉवेल्स पब्लिश करवाए, जो कि एक मेल लाइक नेम है। तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उस टाइम पे बहुत सी फीमेल ऐसी थी जिन्होंने अपने ही नेम से नॉवेल्स पब्लिश करवाए थे, बट इन्होंने क्यों किया ऐसा? अब इसका आंसर ये है कि वुमेन की जो राइटिंग थी उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप्स थी उस टाइम पीरियड पे, कि जो मेल है, जो पेट्रार्कन सोसाइटी है उसके अंदर जो मेल की राइटिंग है वो सुपीरियर है, तो फीमेल को इतना अच्छा लिखना नहीं आता, तो जो वुमेन थी उनकी राइटिंग को इग्नोर किया जाता था। तो एक रीज़न ये भी थी इन्होंने मेल के नाम से अपना नॉवल पब्लिश करवाया। और दूसरी रीज़न ये भी हो सकती है कि इनकी एक पर्सनल लाइफ है, ठीक है, इनके जो बॉयफ्रेंड थे उन्होंने इनको जॉर्ज एलियट का नेम दिया था, तो इसलिए भी उन्होंने उस नेम से पब्लिश करवाया इस नोवेल को। और कुछ ये ना अपने पर्सनल इवेंट्स को, पर्सनल लाइफ को एक लोगों के नज़रों के सामने स्कैंडल नहीं बनवाना चाहती थी, तो इसलिए भी इन्होंने ये वाला नेम यूज़ किया। अब राइटर के बाद कुछ की फैक्ट्स की बात कर लेते हैं कि जो ये नोवेल है, ये जो नोवेल है इसके क्या 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 की फैक्ट्स हैं। नंबर वन, टाइप ऑफ वर्क, जो ये टाइप ऑफ वर्क है वो नॉवल है। इसका यानरा विक्टोरियन नॉवल है, ट्रेजेडी है। इंग्लिश लैंग्वेज में ये लिखा गया और जिस टाइम पीरियड पर प्लेस पे लिखा गया था वो था रिचमंड एंड वेंट्सवर्थ इन इंग्लैंड, जो कि 1859 से 1860 के दौरान लिखा गया था। पब्लिकेशन डेट इसकी 1860 है। जो पब्लिशर थे वो थे ब्लैकवुड एंड सन्स। इसमें टेंस जो यूज़ हुआ वो पास्ट टेंस यूज़ हुआ है इसके अंदर। नरेटर इसके अंदर अननोन है। इसके अलावा जो सेटिंग है टाइम के लिहाज से इस नॉवल के अंदर, वो 1829 से 1839 की दिखाई गई हुई है। सेटिंग जो है प्लेस के लिहाज से नॉवल के अंदर, वो सेंट ऑक्स इन इंग्लिश मिडलैंड्स ये दिखाई गई है। और जो प्रोटैगोनिस्ट है इस नॉवल के अंदर वो है मैगी टुलिवर। अगर हम इनकी इफेक्ट से निकल के मिल ऑन द फ्लोस, जो कि टाइटल है, उसको देखें तो टाइटल बहुत ज़्यादा सिम्बॉलिक है, ठीक है, क्योंकि मिल विक्टोरियन टाइम पीरियड है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, तो जो मिल है वो रेफर क्या कर रही है, वो रेफर करी मटेरियलिज्म को, इंडस्ट्री को, प्रोग्रेस को। तो फ्लोस बेसिकली रिवर, ठीक है, जो रिवर है हमारे पास इस स्टोरी के अंदर, इस नॉवल के अंदर एक करेक्टर है मैगी।
मैगी के स्टेट ऑफ माइंड को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। साथ साथ जो है ना ये रिवर, ये फ्लोस जो है, ये मैगी के डेस्टिनी को सिंबलाइज कर रहा है। मैगी की डेस्टिनी इसके अंदर हिडन है, ठीक है। जब नॉवल स्टार्ट होता है तो मर्डर, जो इसकी मदर है उसको सस्पेंस होता है कि कहीं मैगी जो है उस रिवर में डूब तो नहीं गई, और क्या होता है डेस्टिनी, उसका फेट, ठीक है, क्या होता है। एट द एंड मैगी अपने भाई के साथ उस रिवर में डूब जाती है। मैंने आपके नॉवल का पहले सस्पेंस ख़राब कर दिया, सॉरी फॉर दिस, लेकिन करना पड़ा। तो ये जो रिवर है ना, ये सिंबल कंटिन्यूटी का भी है, डेथ का भी है। तो टाइटल किस लिहाज से सिंबॉलिक है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं करेक्टर्स की। एक इसके अंदर करेक्टर है, वो है नरेटर का, ठीक है। नरेटर का मैंने यहाँ पे नेम नहीं लिखा, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। नरेटर जो है वो अननेम्ड है, ठीक है, और वो जितने भी इवेंट्स है स्टोरी के अंदर वो नरेटर ही नरेट कर रही है। नेक्स्ट करेक्टर हमारे पास आता है मैगी टुलिवर का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है। जो मैगी टुलिवर है ये बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत कन्फ्लिक्टेड प्रोटैगनिस्ट है नॉवल की। जब नॉवल स्टार्ट होता है तो बहुत ज़्यादा यंग है, क्लेवर है, इमेजिनेटिव है, अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और ना कोई परेशानी के अंदर ये फंस जाती है, ये दिखाया गया है। जैसे जैसे ये बड़ी होती है तो उसको बहुत से जो इवेंट्स होते हैं, सर्कमस्टांसिस होते हैं, वहाँ पर इनर कन्फ्लिक्ट फेस करना पड़ता है। उसको अपने भाई के लिए अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करना पड़ता है, क्योंकि वो स्टीफन को लाइक करने लग पड़ती है, बट उसकी फैमिली को स्टीफन नहीं पसंद, सॉरी फिलिप को लाइक करने लग पड़ती है, और उसकी फैमिली को फिलिप नहीं पसंद। तो इस बेस पे क्या होता है, इस बेस पे उसको अपने इनर कन्फ्लिक्ट को देखना पड़ता है, क्योंकि एक तरफ भाई है तो एक तरफ मोहब्बत है, तो वो अपने भाई के लिए अपनी मोहब्बत को छोड़ देती है। और उसके बाद जो है इसको बुक्स का, इसको एजुकेशन का, म्यूज़िक का, लिटरेचर का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। और इसके अलावा ये करैक्टर जो है ये राइटर के खुद के करैक्टर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट करैक्टर हमारे पास है टॉम टुलिवर का, जो कि मैगी का बड़ा भाई है, ठीक है, 4 साल बड़ा है उससे ये, और मिस्टर टुलिवर का बेटा है ये। ये एक रियलिस्टिक पर्सन है जिसको रियलिटी ही पसंद है। इसको बहुत ज़्यादा प्राइड है, बहुत ज़्यादा प्राइडफुल है, और कहता है हर जगह इंसाफ ही होना चाहिए। जिस तरह मैगी जो है वो इमेजिनेटिव है, तो ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है, ठीक है। इसको ख्वाबों की दुनिया में रहना पसंद नहीं है इतना। टॉम को अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जो टॉम की फैमिली है, इसमें इसके जो फादर है मिस्टर टुलिवर, उनके अगेंस्ट एक मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, एक केस जो है ना उनके अगेंस्ट किया जाता है, और जो केस है वो वेकम के साथ होता है। अब जो वेकम से, वेकम कौन है, फिलिप का फादर है। अब जब वो वेकम से जो केस है वो हार जाते हैं, तो उस छोटी सी एज में जो टॉम टुलिवर है अपनी फैमिली के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर देता है, और स्ट्रगल करके अर्निंग करता है और अपने फादर के सारे डेब्ट्स उतारता है। और नॉवल के एंड पे टॉम टुलिवर और मैगी टुलिवर दोनों की डेथ हो जाती है। मैंने जो सस्पेंस था पहले तो ख़राब कर दिया था, इसलिए मैंने दोबारा आपको बता दिया डेथ के बारे में। नेक्स्ट करेक्टर हमारे पास आता है एलिजाबेथ टुलिवर का, जो कि मिसेस टुलिवर है, और ये टॉम और मैगी की मदर है। ये घर लाइक हाउस वाइफ हैं ये, और ये अपनी बेटी के मुकाबले में अपने बेटे से ज़्यादा प्यार करती हैं। फिर हमारे पास आता है एक और करेक्टर, वो है जर्मी टुलिवर का। जो जर्मी टुलिवर है ये एक्चुअली में मिस्टर टुलिवर है, और ये मैगी और टॉम के फादर हैं। और जो है ना दरिया, दरिया के ऊपर ना एक फ्लोस, सॉरी दरिया का नाम है फ्लोस, तो वो जो रिवर फ्लोस है ना बिल्कुल वहाँ पे ना एक मिल है, तो ये बेसिकली उस मिल के ओनर है। लेकिन इन्होंने कुछ डब्स देने होते हैं, और वैकम नाम का एक पर्सन होता है, उनके साथ इनकी ना एक केस चल पड़ता है। जब वो केस चलता है तो उस बेस पे ये वो केस हार जाते हैं, और जितना कुछ भी इनके पास होता है फाइनेंशियली तौर पे ये सब कुछ खो देते हैं, ज़ीरो पे आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, एज अ ब्रदर, तो ये बहुत ही अच्छा करैक्टर रहा है थ्रू आउट द स्टोरी। नेक्स्ट करैक्टर है हमारे पास ल्यूसी डेन का। ल्यूसी डेन टॉम और मैगी की कज़न है, जो कि एक बहुत ही लॉयल किस्म की काइंड हार्टेड वुमेन है, लेडी है, बेसिकली एक गर्ल है, एक लड़की है, जो दूसरों को खुश रखने की पूरी कोशिश करती है थ्रू आउट द स्टोरी। फिर है नेक्स्ट करेक्टर हमारे पास फिलिप वेकम का। फिलिप वेकम जो है ना ये एक लॉयर का बेटा है, ठीक है, और वो जो लॉयर है उसी का मेन केस चल रहा है मिस्टर टुलिवर के साथ, ठीक है। फिलिप वेकम जो है ना एक डीफॉर्म्ड लड़का है, ठीक है, जो अपेरेंटली इतना खूबसूरत नहीं है, बहुत सेंसिटिव और इंटेलिजेंट किस्म का लड़का दिखाया गया है ये स्टोरी के अंदर।
लेकिन इसको आर्ट से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, इसको नॉलेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसको म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो मैगी है, मैगी का भी सेम चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट होता है, इसी बेस पे जो है ना मैगी इससे इंप्रेस्ड होती है और ये दोनों आपस में दूसरे से मोहब्बत करने लग पड़ते हैं। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास लॉयर वेकम का, जो कि मैंने आपको बताया लॉयर वेकम फादर है फिलिप वेकम का, और इसी के साथ केस चल रहा है हमारा मिस्टर टुलीवर का। ये एक रिच और क्लेवर पर्सन दिखाया गया है स्टोरी के अंदर, अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, लेकिन जो लोग लोअर रैंक से बिलोंग करते हैं तो उनसे ये मिलना भी पसंद नहीं करता। फिर हमारे पास करेक्टर है स्टीफन गेस्ट का। स्टीफन गेस्ट जो है ना एक खूबसूरत लड़का है स्टोरी के अंदर, जो लूसी के साथ इंगेज्ड है, ठीक है, लेकिन वो बाद में जब मैगी से मिलता है तो मैगी को लाइक करने लग पड़ता है। और जहाँ पे टॉम और मिस्टर डियन काम कर रहे हैं ना, उस कंपनी के एक जो शेयर होता है ना एक पर्सन का, ये उसका बेटा है। फिर नेक्स्ट करेक्टर हमारे पास बॉब जैकन का। बॉब जैकन जो है ना, ये बचपन से ही टॉम का फ्रेंड है, बहुत अच्छा करेक्टर उसका दिखाया गया स्टोरी के अंदर। और ये स्टोरी के अंदर टॉम और मैगी दोनों की बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है डिफरेंट ओकेजन्स पे। फिर हमारे पास करेक्टर है मिस्टर एंड मिसेस ग्लैग का। ये दोनों जो करेक्टर है ना, इनका जो ताल्लुक है वो डॉटसन फैमिली से है। और इसमें से जो मिसेस ग्लैग है वो एक अग्रेसिव वुमेन है, लेकिन फिर भी वो मैगी की हेल्प करती हैं जब वो स्टीफन गेस्ट से शादी किए बगैर वापस आ जाती है उस टाइम पीरियड पे। फिर है मिस्टर और मिसेस डेन की। तो मिस्टर एंड मिसेस डेन जो हैं ये लूसी के पेरेंट्स हैं, और जो मिसेस डेन है वो बहुत ही खामोश रहना पसंद करती हैं, ज़्यादा नहीं बोलती। और जो मिस्टर डेन है वो गेस्ट एंड को कंपनी के पार्टनर हैं। फिर है मिस्टर एंड मिसेस पुलिट। जो मिस्टर एंड मिसेस पुलिट हैं ये डॉटसन फैमिली में से ही बिलोंग करते हैं, और ये बहुत ही रिचेस्ट फैमिली है इनके अंदर। मिसेस पुलिट जो हैं वो मिसेस टुलिवर के बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट में आ जाती हैं, जबकि जो मिस्टर पुलिट हैं वो एक लाइक वेल्दी लैंड ओनर है। उसके बाद हमारे पास करेक्टर आ जाता है ल्यूक मॉक्स का। ये मिस्टर टुलिवर के मिल पे काम करता है। नेक्स्ट करेक्टर है हमारे पास मिस्टर रायली का। मिस्टर रायली जो हैं ये सेंट ऑग में ऑक्शन मैनेजर हैं, यानी कि नीलामी का काम करते हैं। तो मिस्टर टुलिवर जो हैं उस बंदे को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और रिच समझता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर है हमारे पास नेक्स्ट करेक्टर मिस्टर स्टालिंग का। मिस्टर स्टालिंग जो है ये टॉम का टीचर है। फिर हमारे पास करेक्टर है डॉक्टर केन का। डॉक्टर केन जो है ये सेंट ऑग्स में एक प्रीस्ट है। फिर हमारे पास करेक्टर है मिस्टर एंड मिसेस मोर्स का। मिसेस मोर्स जो है वो मिस्टर टुलिवर की सिस्टर है, और मिस्टर और मिसेस मोर्स जो है बहुत ही ज़्यादा गरीब है। फिर हमारे पास करेक्टर नीचे मिस्टर पाइवेट का। मिस्टर पाइवेट जो है ये रिवर फ्लोस पर ही रहते हैं, और इसका मिस्टर टुलिवर से जो रिवर का पानी है उसके रेलेवेंट फाइट भी होती है, झगड़ा भी होता है। फिर नेक्स्ट करेक्टर हमारे पास आ जाता है कीजिया का। जो कीजिया ये टुलिवर फैमिली की नौकरानी है, यानी कि मेड है, सर्वेंट है। फिर नेक्स्ट करेक्टर हमारे पास मिस्टर गौर का। मिस्टर गौर जो है वो टुलिवर का वकील है, और यानी कि लॉयर है वो। फिर आता है करेक्टर हमारे पास मिस गेस्टिस का। मिस गेस्टिस जो है जो स्टीफन गेस्ट है उनकी दोनों सिस्टर्स हैं, और ये बहुत ज़्यादा मगरूर किस्म की और अनअट्रैक्टिव है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्राइड है इनके अंदर और बहुत अनअट्रैक्टिव है। तो यहाँ पे हमारे हो गए करेक्टर्स डिस्कस। ये दो बहन भाई इकट्ठे हैं, मैगी टुलिवर एंड टॉम टुलिवर, हमारे करेक्टर्स हो गए डिस्कस। अब हम बात करते हैं अपनी मेन समरी की, जो स्टोरी की समरी है उसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब स्टोरी स्टार्ट होती है ना, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास एक नरेटर है। नरेटर का हमें नाम नहीं पता कौन है, अपनी चेयर पे बैठी हुई है और वो सो जाती है। और जब वो सो जाती है तो वो ख्वाब देखती है, और ख्वाब में वो डोलोकोट मिल को देखती है। जी बिल्कुल, ये पिक्चर में भी जो आपको नज़र आ रहा है ना, वो डोलोकोट मिल ही है। और साथ ही साथ वो ख्वाब में देखती है, जिसको वो डिस्क्राइब करती है कि उसने जो सेंट ऑग्स है वहाँ पे बिल्कुल फ्लोस रिवर के साथ उसको पूरा देखा, और एक लिटिल गर्ल थी जो कि उस रिवर के बिल्कुल एच पे खड़ी हुई थी। तो ये सब कुछ वो देखती है, ये 30 years ago, ठीक है, 30 साल पुराना जो सारा सीन था वो ये सारा ख्वाब में देख रही है। फिर जब ये उठती है, उठने के बाद जहाँ तक इसने ख्वाब देखा था उसके आगे से ये स्टोरी स्टार्ट करती है, जो कि मिस्टर एंड मिसेस टुलिवर्स थे, उनके एक्शंस थे, सारा कुछ जो कि स्टोरी के अंदर हो रहा था वो उसको डिफाइन करती है, नरेट करती है। स्टोरी में बताया जाता है कि जो मिस्टर टुलिवर है ना, वो बेसिकली ओनर है एक मिल के, उस फार्म के, और अपने बेटे को वो पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं,
ठीक है, उनके बेटे का नाम टॉम है और वो चाहते हैं कि ये टॉम पढ़ जाए और एक मिलर से, एक फार्मर से बेहतर कुछ बन जाए। अब वो इसको किसी स्कूल में भेजने के लिए, अच्छे स्कूल में भेजने के लिए ना मिस्टर रिले से मशवरा करते हैं, ठीक है, जो कि एक फ्रेंड है मिस्टर ट्यूलिवर का, और वो चाहते हैं कि वो अच्छी एजुकेशन के लिए ना टॉम को अच्छे स्कूल में भेज दे। लेकिन साथ ही साथ उनको परेशानी ये भी होती है कि टॉम जो है इतना इंटेलिजेंट, इतना स्मार्ट नहीं है जितना कि उसकी सिस्टर है। सिस्टर उसकी उसकी सिस्टर का नाम है मैगी, ठीक है। कहते हैं मैगी जो है बहुत ज़्यादा क्लेवर है, लेकिन ये नहीं है। अब जो इसकी बेटी है मैगी, वो इतनी क्लेवर है, तो इसकी क्लेवरनेस की बेस पे जो इसकी मदर है मिसेस टुलिवर, वो हमेशा कंप्लेन करती है कि मैगी को संभालना इज़ टू मच डिफ़िकल्ट। और मैगी जो है बेसिकली ऐसी लड़की जिसके जो अपने बालों में एक प्रॉपर कर्ल जो है ना, उसको भी वो होल्ड नहीं कर सकती। तो दोस्तों, जो यहाँ पे मैगी का करेक्टर दिखाया जा रहा है ना, वो एक ऑटोबायोग्राफिकल करेक्टर है राइटर के खुद का। अब क्या होता है कि चैप्टर 3 स्टार्ट होता है बुक 1 का, तो उसमें मिस्टर रिले जो है वो मिल में आते हैं, मिस्टर टुलिवर जो है उनसे पूछते हैं टॉम के स्कूलिंग के अबाउट। मिस्टर रिले जो है ना, वो उनको सजेस्ट करते हैं कि आप इनको सर स्टार्लिंग है उनके पास भेज दें पढ़ने के लिए, क्योंकि वो अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं ऑक्सफोर्ड से और चाहते हैं कि वो अपनी जो टीचिंग है, अपनी टीचिंग की जो ड्यूटीज़ हैं उसको कंटिन्यू रखें। और टीचिंग करने के लिए उनको कुछ स्टूडेंट्स चाहिए, तो आप जो है अपने बेटे टॉम को उनके पास पढ़ने भेज सकते हैं। और जब ये बातें हो रही होती हैं, ये बात सुनते ही मैगी जो है अपने अपने बिलवड ब्रदर का नाम जो सुनती है ना, वो कन्वर्सेशन को इंटरप्ट करती है, ठीक है। इंटरप्ट करके ना वो फ़ौरन मिस्टर रिले को कहती है कि वो कितनी क्लेवर है, उसने हिस्ट्री ऑफ द डेवल एक बुक पढ़ी है, ठीक है, वो उसको पढ़ रही है, और ना अपना थोड़ा बहुत शो ऑफ करने की कोशिश करती है, अपनी क्लेवरनेस दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन उसको जो मिस्टर रिले है वो डिसग्रेस्ड करता है, और मिस्टर टुलिवर जो है वो लैमेंट करते हैं कि इफ़ शी वर अ बॉय मैगी वुड गो फॉर, कि अगर लड़का होती तो इसको मैं बहुत दूर भेज चुका होता। अब क्या था, अब जो टॉम है वो ऑलरेडी एक स्कूल में पढ़ रहा था, वहाँ से उसने वापस आना था, तो जो मिस्टर टुलिवर थे वो टॉम को पिकअप करने के लिए गए, लेकिन मैगी को साथ में नहीं लेकर गए। तो मैगी जो है बड़ा इम्पेशेंट होती है अपनी मदर के साथ कि उसको फादर जो है क्यों नहीं लेकर गए। फिर इसके बाद जो है ना, वो बाहर आ जाती है और ल्यूक जो कि हेड है मिलर का, उससे बात करती है, और तब पता लगता है इसको कि जो इसके टॉम के रैबिट्स थे इसके पास, जिनको इसने ख्याल रखना था, उनका टेक केयर करना था, वो सब के सब मर चुके हैं, क्योंकि ये उनको खाना खिलाना भूल गई थी। अब क्या हुआ जी, अब टॉम वापस आ गया, अपने साथ 2 न्यू फिशिंग लाइन्स लेके आता है, एक मैगी के लिए और एक अपने लिए। लेकिन जब मैगी उसको बताती है कि सारे के सारे जो रैबिट्स थे उनकी डेथ हो गई है, वो मर गए हैं, तो इस चीज़ पे टॉम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और टॉम जो है मैगी से नाराज़ हो जाता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और उससे जो है अपना जो फिशिंग लाइन उसको दी थी उसने एक वापस ले लेता है। इस पे जो मैगी है बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है, उदास होती है, और जाके अपनी वुडो डॉल के पास जाती है जो कि एक टॉय है, उसको मारती है, ठीक है। तो ये एक साइकोलॉजिकल एलिमेंट है कि कैसे एक बच्ची अपना एग्रेशन अपने टॉय के ऊपर निकाल रही है, अपने डॉल टॉय के ऊपर निकाल रही है। लेकिन उसके बाद जो टॉम था, टॉम की इंटेंशन यही थी कि उसको पनिश करे। अब जब उसने उसको पनिश कर दिया, तो उसके बाद वो वापस आती है, अपने भाई से माफ़ी मांगती है, और उसका भाई जो है उसको माफ़ कर देता है। फिर इसके बाद जो है हमारे पास जो स्टोरी, उसमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर जो टुलिवर्स है वो मिसेस टुलिवर्स की सिस्टर्स और उनकी फैमिलीज के विजिट के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। जो टॉम और मैगी होते हैं वो घर के बाहर खेल रहे होते हैं उस टाइम पे, और फ्रेशली जो है ना बेक्ड जैम पफ होता है वो खा रहे होते हैं साथ में। उस टाइम पे जो टॉम है वो मैगी को ऑफ़र करता है कि तुम इनमें से हाफ ले लो, क्योंकि दोनों हाफ हाफ करते हैं, और जो मैगी होती है उसके पास बेटर हाफ आ जाता है, बेहतर वाला हाफ आ जाता है। इस पे टॉम जेलस होता है और कहता है मैगी को कि तुम ग्रीडी हो, और अपने डॉग के साथ वहाँ से वो चला जाता है। तो रास्ते में उसको उसका दोस्त मिलता है, जो उसका जिसका नाम है बॉब जैकिन। फिर जो ये बॉब जैकिन और साथ में टॉम है, ये दोनों रैट कैचिंग के लिए चले जाते हैं, और बाद में वहाँ पे बॉब की और टॉम की लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि बॉब जो है वो चीट करता है बेसिकली हेड एंड टेल्स के अंदर। तो इसके बाद यहाँ पे चैप्टर एंड होता है, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। उस चैप्टर के अंदर मिसेस जैन ग्लैग, मिसेस सोफी पुलिट एंड मिसेस सुजान डेन, ये जो है ना अपने डॉटर्स ल्यूसी के साथ डोरलोकोट मिल में आते हैं,
सॉरी इट्स डॉल कॉट मिल, ठीक है, यहाँ पे आते हैं और जितनी भी वहाँ पे आंट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो क्रिटिसाइज़ करती हैं मैगी के हेयर्स को। तो मैगी को बड़ा गुस्सा आता है, वो रोने वाली हो जाती है, अपने भाई के साथ जाती है अपने रूम के अंदर और अपने बालों को काट देती है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, टॉम उसके साथ खड़ा है और ये अपने बालों को काट रही है, ठीक है। और टॉम जो है वो भी उसकी मदद करता है उसके बाल काटने में, लेकिन बाद में टॉम जो है उसके बाल कटने के बाद उसका मजाक उड़ाता है कि तुम कितनी स्टूपिड लग रही हो, ये कहता है अपनी बहन को। अब जब ये सुनती है इसकी बहन की वो स्टूपिड लग रही है, वो और ज़्यादा अपसेट होती है और वो कहती है मैंने मुझे पार्टी में जाना ही नहीं है, मैंने खाना साथ में खाना ही नहीं है। लेकिन फाइनली जो टॉम है उसको कन्विंस कर लेता है कि आ जाओ तुम साथ हमारे और डिनर कर लो। और उस टाइम पे जब ये जाते हैं डिनर करने, तो जो अंकल्स होते हैं वो इनका मजाक उड़ा रहे होते हैं और जो आंट्स होती हैं वो इसका मैगी का देखकर बड़ा डिसअप्रूवल का साइन जो होता है ना शो कर रही होती हैं। फिर जो बच्चे होते हैं इनको बाहर भेज दिया जाता है और मिस्टर टुलिवर्स जो होते हैं वो हर एक को बताते हैं अपना प्लान कि वो चाहते हैं कि अपने टॉम जो उनका बेटा है उसको वो एजुकेशन दिलवाएँ, उसको वो पढ़वाएं। हर कोई वहाँ पे सरप्राइज होता है। जो अंकल्स होते हैं वो इजीली कन्विंस्ड हो जाते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन जो मिसेस ग्लैग हैं वो बहुत ज़्यादा स्कॉर्नफुल होती है, अनप्लेजेंट होती है, तो वो कहती है ये डिसीजन अच्छा नहीं है और इस पे वो लड़ पड़ती है और एंड्स अप करती है विद द फाइटिंग। फाइटिंग किससे होती है, उसकी मिस्टर टुलिवर से, और वो गुस्से में वहाँ से छोड़ के चले जाती हैं। मिसेस टुलिवर्स जो होती है ना वो मिस्टर टुलिवर को कहती हैं कि तुम्हें नहीं चाहिए था तुम मिसेस ग्लैग जो है उनके साथ लड़ते, क्योंकि हम लोगों ने उनका डेब्ट्स देने थे, ठीक है, हम लोगों ने उनसे जो बोरो की हुई थी मनी वो रिटर्न करनी थी और अब हो सकता है वो हमें इंसिस्ट करें कि हमने जो उनके 500 पाउंड्स लिए हुए हैं वो रिटर्न करें उनको वापस, यानी कि वापस कर दे उनको। अब इस पर मिस्टर टुलिवर सोचता है कि बात तो सही है, वो पैसे वापस मांगेगी तो क्यों ना मैं उसको पैसे खुद वापस कर दूँ। और वो क्या करता है, वो उसकी सिस्टर ग्रिटी होती है और ब्रदर इन लॉ होता है मिस्टर मोर्स, मिस्टर मोर्स इन दोनों के पास वो जाता है और इनसे कहता है कि मुझे आप लोग 300 पाउंड्स जो है ना उधार दे दें, क्योंकि वो सोचता है कि इससे उधार लेके वो जो मिसेस ग्लैग हैं उनके पैसे वापस कर देगा। तो और वह भी कहता है कि मैं जो आपके पैसे जल्दी ही रिटर्न कर दूंगा, ठीक है, आप परेशान मत होइएगा, जैसे मैं अपने मैटर्स को रिसोल्व कर लूँ ना तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अर्निंग करके आपके जो मैटर्स हैं जो आपसे मैंने लोन लिया वो मैं आपको रिटर्न कर दूँ। ये किनको कह रहा है, जिनसे अभी ये लेने गया हुआ है, मिस्टर मोस से और अपनी सिस्टर ग्रिटी से। फिर इसके बाद जो मिसेस टुलिवर होती है ना वो अपने बेटे टॉम को, अपनी बेटी मैगी को और उनकी कज़न लूसी को अपने साथ लेके गौरम फिश मिल चले जाती हैं, जो कि पुलिट्स का फार्म होता है, ठीक है। जो मिसेस पुलिट्स होती है ना वहाँ पे विजिटर्स को अपने ग्रैंड बोनेट्स दिखाती हैं जो उसने खरीदे होते हैं। मैगी जो होती है वो बड़े बुरे मूड में होती है, क्योंकि जो टॉम होता है अपनी सारी अटेंशन जो है थ्रू आउट द डे लूसी को दे रहा होता है और ये चीज़ मैगी को पसंद नहीं आती, क्योंकि मैगी कहती है मेरा भाई है वो उसको क्यों टाइम दे। तो उसके बाद क्या होता है, जो बच्चे होते हैं गर्म फिट्स के अंदर वो बच्चे ना घर से बाहर भेज दिए जाते हैं। मिसेस टुलिवर और मिसेस पुलिट जो है ना वो डिस्कस करते हैं जो फाइट हुई थी मिसेस ग्लैग की और मिस्टर टुलिवर के दरमियान में उसको, और जब मिसेस टुलिवर बिडिंग करती हैं यानी कि एक ऑक्शन करती हैं एक प्राइस देने के लिए तैयार होती हैं, तो मिसेस पुलिट कहती हैं कि वो तैयार है, वो एग्री है कि वो मिसेस ग्लैग को विजिट करेंगी और उनसे कहेंगी कि जो टेंशन चल रही है उसको थोड़ा सूद करो, उसको थोड़ा रिलैक्स करो, टेंशन को कम करो, जो ये भी इंटेंस सिचुएशन चल रही है अभी। अब जो टॉम होता है वो मैगी को, मैगी से नाराज़ होता है, ठीक है, और क्यों नाराज़ क्यों होता है, क्योंकि जो मैगी होती है वो लूसी के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं रख रही होती इस बेस पे, और टॉम जो है वो इग्नोर करता है मैगी को और फिर से वो प्रॉपर अटेंशन दे रहा होता है लूसी की तरफ। तो ये चीज़ जो है ये मैगी को और ज़्यादा गुस्सा दिलाती है, उसको और ज़्यादा ज़्यादा मिजरेबल फील करवाती है। मैगी जो है बड़ा इरेशनली मैड फील करती है लूसी की तरफ, और जो है टॉम वो लूसी को पॉन्ड की तरफ ले जाता है जहाँ पे वो फिशिंग वगैरह के लिए जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है, जो मैगी होती है इनके पीछे पीछे इनके साथ जाती है और टॉम जो है वो कहता है मैगी को तुम पीछे रहो, तुम हमारे साथ ना हो, और इस टाइम पे मैगी को गुस्सा आता है और वो लूसी को मिट्टी में धक्का दे देती है। फिर जो लूसी है वो रोने लग पड़ती है, तो टॉम लूसी को वापस घर लेके आता है पुलिट हाउस में और बताता है मेड को कि ये मैगी है जिसने किया है, मैगी ने इनको धक्का दिया है। अब ऐसा होता है कि जो मिसेस टुलिवर होती है वो पूछती है मैगी कहाँ पे है, तो टॉम कहता है मुझे नहीं पता, घर चले गई होगी वापस वो। तो वो कहती है तुम जाओ जाके मैगी को ढूंढ के आओ,
कहीं वो जो फ्लॉस रिवर है ना वहाँ पे डूब ना गई हो, ठीक है, तुम जाओ, कहीं वो पानी में डूब के मर ना गई हो। तो ये भी साइकोलॉजिकल एक रियलिज्म का एलिमेंट ही है, ठीक है। ये एक फोर शेडोइंग की टेक्निक यूज़ की है राइटर ने यहाँ पे, जब वो कहती है मुझे डर है कि कहीं वो डूब के मर ना गई हो, ठीक है। तो ये जो डर है, ये खौफ है, एट द एंड ऑफ द स्टोरी सच साबित हो जाएगा, क्योंकि एंड पे मैगी ने डूब के ही मरना है। लेकिन उस टाइम पे मैगी बहुत ज़्यादा मिजरेबल फील कर रही होती है और वो सोचती है कि वो भाग जाएगी और वहाँ पे वो जिप्सीज को ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। ये आप छोटी सी पिक्चर मैंने लगाई है, देख सकते हैं यहाँ पे फायर चल रही है और यहाँ पे जिप्सीज बैठे हुए हैं और उनके पास मैगी है। अब क्या होता है, जब वो जिप्सीज के पास पहुँचती है ना, तो वो उनको कहती है कि मैं उनके साथ यहाँ पे रहना चाहती हूँ, तो वो मुझे ना अपने पास रख लें। और उनके साथ फिर ना जब फायर चल रही होती है, वो उसके पास फायर के पास बैठ जाती है और उनको ज्वाइन कर लेती है। लेकिन जल्दी उसको रियलाइज़ हो जाता है कि ये जो टाइम है, ये जगह है, इसके लिए सही नहीं है, तो इसको यहाँ से जाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड फील करती है उस टाइम पे, और ये जिप्सी को कहती है कि इसको जाना है, इसने यहाँ पे ना फर्दर नहीं रहना। वो इंसिस्ट करते हैं कि वो खुद इसको घर ले जाएंगे, लेकिन मैगी जो है बड़ा टेरिफाइड फील करती है कि कहीं इसको वो मार ना दें। अब क्या होता है, वो मैगी को लेके जा रहे होते हैं, तो जब रोड पे होते हैं ना, तो ये मिस्टर ट्यूलिवर के पास पहुंच जाते हैं जब ये ग्रिटिस से वापस आ रहे होते हैं। वो इस ट्रबल के लिए जो है मिस्टर ट्यूलिवर जो है वो जिप्सी को पे भी करता है और एम्बेरसेस हिज डॉटर एज वेल। वो कहता है शी मस्ट नेवर लीव हिम एनी हाउ, जो मैगी है डज नॉट गेट इन ट्रबल फॉर रनिंग अवे। फिर यहाँ पे जो नरेटर है ना हमारा या हमारी, क्योंकि हमें नहीं पता हु इज़ द नरेटर एज, ठीक है, इन एक्चुअल, लाइक हु इज़ द नरेटर इन एक्चुअल, कि वेदर ही और शी कौन है हमें नहीं पता। तो वो डिस्क्राइब करती है फिर यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ द टाउन ऑफ सेंट ऑग्स एंड द लेजेंड ऑफ सेंट ऑग्स हिमसेल्फ। वो उसके बारे में बताती है, कहती है ये एक बोटमैन था जो कि ट्रांसपोर्ट करता था, यानी कि लोगों को हेल्प करता था कि रिवर से इधर उधर जाने की, जो रिवर है उसका नाम फ्लोस है। और इसने ऐसे ही एक पुअर वुमेन थी उसकी भी मदद की थी रिवर को क्रॉस करने की, तो वो जो थी टर्न्ड आउट टू बी द वर्जिन मदर। तो कहता है उसकी काइंडनेस की बेस पे जो ये वर्जिन मदर थी, इन्होंने इसकी बोट को ब्लेस कर दिया, ठीक है। और इनकी बोट ने, ठीक है, किसकी बोट ने, जो कि सेंट ऑग्स है उसकी बोट ने बहुत से लोगों को रेस्क्यू किया ड्यूरिंग द ग्रेट फ्लड, जब बहुत ग्रेट स्लैब आया था तब। अब स्टोरी में बताया जा रहा है मिस्टर ग्लैक के बारे में कि वो एक काइंड हार्टेड मैन है, ठीक है। और उनको बड़ा बुरा लगा था जब उनकी वाइफ जो थी उसकी फ़ाइट हुई थी मिस्टर ट्यूलिवर्ट से, और उनको ये होप थी, ये उम्मीद थी कि इस फाइट के बाद जब कुछ टाइम गुजर जाएगा तो वो अपनी वाइफ को काम डाउन कर लेंगे। तो अपनी वाइफ को कन्विंस करते हैं कि तुम मिस्टर ट्यूलिवर से पैसे लेने की बजाय, कि तुम फ़ौरन से जो उनसे पैसे वापस मांग रही हो ना वो लेने की बजाय, क्यों ना तब तक वेट कर लो जब तक तुम्हें इसको इन्वेस्ट करने की कोई बेटर अपॉर्चुनिटी ना मिल जाए। तो ये बात से मिसेस ग्लेग है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब कहते नहीं है कि बात को मान जाना और अप्रिशिएट करना और कन्विंस होना, तो वो कन्विंस हो जाती हैं इस चीज़ से। फिर इसके बाद जो बुक वन हमारी चल रही है, इस नॉवल के टोटल 7 बुक्स हैं, ठीक है, तो अभी बुक वन चल रही है। तो इसके बाद जो बुक वन है ना हमारी चल रही है, उसका जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, उसमें क्या होता है, मिसेस पुलिट जो हैं वो नेक्स्ट डे आती हैं ट्यूलिवर्स के पास, और मिसेस ग्लेक भी उनके साथ होती हैं। वो कहती है कि मिसेस ग्लेक कहती है कि मैं जो ना ट्यूलिवर्स के साथ नाइसली बिहेव करूँगी, नाइसली ही रहूँगी, सिविली ही रहूँगी, इन मैनर्स रहूँगी, अगर वो मेरे साथ मैनर्स में बात करते, ठीक है। और वो कहती है कि मैं जो हूँ ना अब फर्दर कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहती, ना मैं चाहती कि जो नेबर्स हैं वो कोई गॉसिप करें। तो ये ऐसा कह के वो बड़ा प्लीज फील करती है, कहती है कि मैंने बहुत ही महान काम किया है। लेकिन क्या होता है, उसी टाइम पे मिस्टर ट्यूलिवर जो हैं वो एक नोट देते हैं उसको, और वो कहते हैं कि वो एक मंथ के अंदर अंदर तुम्हें सारा कुछ जो तुम्हारे पैसे थे वो तुम्हें वापस कर देंगे, रीपे कर देंगे। और ये जो चीज़ें फिर से गुस्सा दिलाती है मिसेस ग्लैग को। मिसेस ग्लैग जो है वापस नहीं आते तब तक जब तक टॉम जो है वो स्कूल के लिए छोड़ के ना चला जाए। और फिर जो मिस्टर ट्यूलिवर है उनको रियलाइज़ होता है कि उनको एक इन्वेस्टर चाहिए जो उनको £500 दे सके,
वो वाले जो कि मिसेस ग्लैग को वापस कर चुके हैं क्योंकि इनको इन्वेस्टर चाहिए था। तो ये जो है ना इन्वेस्टर को रिप्लेस करना चाह रहे थे क्योंकि इनको 500 पाउंड्स चाहिए थे। अब जो लास्ट पर्सन था जिससे ये बोरो कर सकते थे वो था मिस्टर वैकम, ठीक है, जो कि एक लॉयर भी था, बट फेट टर्न्स आउट अदरवाइज। अब क्या हुआ, अब जब टॉम्स की स्कूलिंग स्टार्ट हो गई एट मिस्टर स्टीलिंग्स बिंग, अब मिस्टर स्टीलिंग जो है वो टॉम को पढ़ा रहे हैं लेकिन टॉम को जो वो लेसन्स हैं बड़े अनप्लेजेंट लगते हैं, समझ नहीं आते, बोरिंग से लगते हैं, क्योंकि नंबर वन ये तो सिर्फ और सिर्फ अकेला यही था उनका पर्पल, उनका स्टूडेंट जो उनसे पढ़ रहा था, तो इसलिए इसको थोड़ी डिफ़िकल्टी भी हो रही थी। लेकिन क्रिसमस हॉलीडेज़ के बाद वहाँ पे एक और पर्सन आ गया जिसका नाम था फिलिप विकम, और जो फिलिप विकम आया था उसने पढ़ना शुरू किया था। तो ये बेसिकली फिलिप विकम जो था ये मिस्टर विकम का ही बेटा था, ठीक है, जिनको मिस्टर टुलिवर पसंद नहीं करते क्योंकि मिस्टर टुलिवर्स को मिस्टर विकम ने धोखा दिया था इस बेस पे। तो इसीलिए जो टॉम है वो भी फिलिप विकम को पसंद नहीं करता। क्या बात हुई, मिस्टर विकम, ठीक है, और टुलिवर, ये दो हो गए, ठीक है, इन दोनों की नाराज़गी आपस में क्योंकि मिस्टर विकम ने डिटेस्ट किया मिस्टर टुलिवर को। अब आगे से मिस्टर विकम का बेटा है फिलिप विकम, ठीक है, और वहाँ से मिस्टर टुलिवर का बेटा है टॉम। अब दोनों सेम स्कूल में पढ़ रहे हैं, सेम टीचर से पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या ट्विस्ट आ गया कि जैसा कि दोनों फादर्स का क्लैश चल रहा था तो इसी बेस पे जो टॉम था वो भी डिसलाइक करता था फिलिप विकम को। अब फिलिप विकम जो है वो तो मैंने आपको बता दिया कि लॉयर का बेटा था, लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर ना फिज़िकल डिफॉर्मिटी थी और बहुत सेंसिटिव भी था। लेकिन अब इन दोनों के बीच में जब लड़ाई चल रही थी ना उस दौरान मैगी आती है, जब मैगी आती है ना उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा इन दोनों के दरमियान में पीस कायम हो जाता है, दोस्ती होने लग पड़ती है टॉम और फिलिप के दरमियान में। और फिलिप जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होता है किससे, मैगी की नेचर से, कि कितनी काइंड नेचर है, कितनी इंटेलिजेंट है ये लड़की इस बेस पे। फिर क्या होता है, फिर 2 साल गुजर गए, जब 2 साल गुजर गए ना मैगी जो है वो 2 साल गुजरने के बाद दोबारा स्कूल जाती है अपनी कज़न लूसी के साथ, लेकिन इसको मिस्टर टुलिवर जो हैं वो घर बुला लेते हैं। और कब बुलाते हैं, तब मिस्टर टुलिवर जो हैं अपना केस हार चुके होते हैं क्योंकि मिस्टर वैकम जो है वो उनको हरा चुके होते हैं उनका केस। अभी केस हारने की बेस पे इनका सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता इनसे छिनना शुरू हो जाता है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इनके गरीबी वाले हालात चलने लग पड़ते हैं। फिर जो मैगी है वो मिस्टर स्टीलिंग के पास जाती है कि आप जो है टॉम को न्यूज़ दे दें कि वापस घर आ जाए, हमारे हालात ठीक नहीं है। फिर इसके बाद जो है टॉम वापस भी आता है और जो मिसेस टुलिवर हैं वो अपनी सिस्टर्स के पास जाती हैं हेल्प के लिए, लेकिन वो हेल्प तो नहीं करती, अपनी बड़ा सुपीरियरिटी दिखाती हैं कि हम तो भाई ये हैं, हम तो भाई वो हैं। अब जो टॉम है जब वो वापस आता है अपने अंकल डेन के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे ना आप बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हेल्प आउट करें। पहले तो वो शुरू शुरू में उनको बड़ा डिस्करेज करता है मिस्टर डेन जो है टॉम को, लेकिन बाद में देखता है कि नहीं, बंदा जो काम करने वाला है बंदा काम कर रहा है। फिर जो टॉम है वो काम करना शुरू कर देता है, और इसके साथ साथ जो मिसेस टुलिवर हैं वो जाती हैं मिस्टर वैकम के पास कि वो उनको कहें कि आप लोगों ने जो हमारे पास हमारी मिल खरीद ली है वो ऑक्शन के दौरान वो वापस कर दें, लेकिन वो उसको कन्विंस नहीं कर पाती है। लेकिन फिर फाइनली मिस्टर विकम ये कहते हैं कि ठीक है मैं आपको जो हूँ आपको मिल में काम करने दूंगा, लेकिन आपने मिल में काम किस तरह करना है कि उसका मैनेजर मैं आऊँगा मेन, ठीक है, उसका ओनर मैं आऊँगा, तो आपने मेरे अंडर रह के काम करना है। लेकिन मिस्टर टुलिवर है वो इस आइडिया को पसंद नहीं करते और उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पे है कि उसने मनी को सेव करना है और मनी को सेव करके जितने भी डेब्ट्स उसके ऊपर हैं उसको रीपे करना है। टॉम और मिसेस टुलिवर जो हैं वो इस आइडिया के ऊपर एग्री हो जाते, ठीक है हम लोग सेविंग करेंगे, हम लोग काम करेंगे। जो टॉम है वो काम करना शुरू कर देता है, उसको एक नई जॉब मिल जाती है, वहाँ से वो अर्निंग करता है, और जो है मिसेस टुलिवर है वो भी सब कुछ कर लेती हैं अर्निंग के लिए। बॉब चेकिंस है, ठीक है, वो मैगी को बुक्स देता है गिफ्ट के तौर पे, और साथ ही बॉब जैकिन जो है वो टॉम को ऑफ़र करता है एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की कि वो जो है मिस्टर एंड मिसेस ग्लैग है ना उनके साथ मिलके काम करे, उनसे हेल्प ले, ठीक है, और उसके बाद जो है ना ये सेविंग्स जो है उसको क्विकली मल्टीप्लाई कर सकता है।
इसी दौरान जो फिलिप वैक्यूम है ना, वो मैगी से मिलता है और वो दोनों इकट्ठे बातचीत करने लग पड़ते हैं। मैगी को फिलिप और फिलिप को मैगी पसंद आ जाते हैं। और ये बात जो पता लगती है इसके भाई को, ठीक है, इसका भाई इस चीज़ को डिसलाइक करता है, टॉम को पसंद नहीं होता ये चीज़, क्योंकि फिलिप के फादर ने अच्छा नहीं किया था इनके फैमिली के साथ, तो वो रोकता है उसको मिलने से, कहता है यहाँ तो तुम उसके साथ रहोगी या फिर तुम हमारे साथ रहोगी, वरना मैं फादर को तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा कि तुम ऐसे ऐसे फिलिप से मिल रही हो। अब वहाँ पर साइकोलॉजिकल एलिमेंट फिर से आ गया, कन्फ्लिक्ट फिर से आ गया इनर करेक्टर का। तो वो क्या करती है, वो अपने भाई के लिए, अपनी फैमिली के लिए अपने लव को छोड़ देती है। फिर जो टॉम है वो फाइनली मैनेज कर लेता है अर्न करके इतनी मनी के वो जितने भी उसने इन्वेस्टमेंट की थी उससे कि जो मिस्टर ट्यूलिवर्स थे उनके जितने भी डेप्ट थे उनको उतार सके। बहरहाल उनके डेप्ट उतार देते हैं, मिस्टर ट्यूलिवर जो है बहुत ज़्यादा खुशी फील करते हैं इस चीज़ के ऊपर, और फाइनली वो डिसाइड ये करते हैं कि अब वो मिस्टर वैकम के लिए फर्दर काम नहीं करेंगे उनके अंडर रहकर। और जब इस चीज़ के लिए वो जाते हैं उनके पास और उनको बताते हैं कि अब मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूँगा, लेकिन जब वो वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे कुछ मामलात ख़राब हो जाते हैं, और फिर उसके बाद मिस्टर वैकम जो है उनके ऊपर ये हॉर्स विप से अटैक करता है, और इस चीज़ से जो है ना मिस्टर टुलिवर है उनको एक स्ट्रोक हो जाता है, अटैक हो जाता है, और जल्द ही उनकी डेथ हो जाती है। अपनी डेथ से पहले वो टॉम को कहते हैं कि वो कभी भी अपनी लाइफ के अंदर वैकम को माफ़ नहीं करेंगे, और तुम भी कभी भी वैकम को माफ़ मत करना। और साथ ही साथ वो टॉम को ये भी कहते हैं कि तुमने जो मिल है उसको वापस लेने के लिए मेहनत करनी है। अब 2 ईयर्स लेटर, ठीक है, 2 साल बाद क्या होता है, जो मैगी है वापस आती है सेंट ओग्स में, और वो रहती है अपने कज़न ल्यूसी डेन के साथ। और जब वहाँ पे वो एज अ स्कूल टीचर काम कर रही थी पहले अपनी फादर के डेथ के बाद से, अब वो ल्यूसी के पास जब वो आई है तो वहाँ पे मैगी को पता लगता है कि ल्यूसी की फ्रेंडशिप फिलिप वेकम के साथ है। अब ल्यूसी जो है वो फिलिप मेकम के साथ मैगी की दोबारा दोस्ती करवाने की कोशिश करती है। अब उसी दौरान जो है मैगी की मुलाकात स्टीफन गेस्ट से भी होती है। स्टीफन गेस्ट जो है वो ल्यूसी का फियोंसे है, और जो ल्यूसी का एक्चुअली में तो फियोंसे है, लेकिन स्टीफन गेस्ट को मैगी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है, उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता है वो। और उसके बाद जो है ल्यूसी एक प्लान करती है, और उस प्लान के अकॉर्डिंग जो है वो फिलिप वैकम को और मैगी को अकेले एक जर्नी पर भेजना चाहती है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, जो फिलिप वैकम है वो भी किसी बेस पे नहीं आ पाता, और जो ल्यूसी है वो भी किसी बेस पे नहीं आ पाती उस बोट में। और उस टाइम पीरियड पे सिर्फ और सिर्फ स्टीफन गेस्ट और मैगी ये दोनों अकेले होते हैं। तब स्टीफन गेस्ट जो है वो मैगी को बोट में लेकर राइडिंग के लिए बोट में राइडिंग के लिए निकल जाते हैं। और जब वो दोनों राइडिंग के लिए निकलते हैं तो फिलिप जो है बड़ा डिप्रेस फील करता है, क्योंकि वो रियलाइज़ करता है मैगी और स्टीफन जो है एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन एक्चुअल में मैगी को कोई फीलिंग्स नहीं है उससे रेलेवेंट, स्टीफन से रेलेवेंट। बट स्टीफन जो है वो समहाउ उसको लाइक करता है, और उसको बताता है बोट राइडिंग के दौरान कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ भाग जाओ, हम शादी करेंगे, हम बहुत खुश रहेंगे। लेकिन मैगी कहती है कि नहीं, तुम मेरे कज़न के साथ रिलेशनशिप में हो तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट मॉर्निंग ये दोनों जब वापस आ जाते हैं बोट राइडिंग से, तो उस दौरान मैगी के बारे में एक स्कैंडल बन जाता है कि ये एक अच्छी लड़की नहीं है, क्योंकि स्टीफन के साथ भाग गई थी, हालांकि ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। और बेसिकली ये 5 डेज़ बाद आती है ना सेंट ऑग्स में, क्योंकि फ़ौरन नहीं आती। अब क्या हुआ कि जो टॉम है और जितने भी लोग थे वो इसको अपने साथ रहने से रिफ्यूज़ कर देते हैं। मिसेस ट्यूलिवर जो हैं वो तो इसको सपोर्ट करती हैं लेकिन साथ रख नहीं पाती उसको। और जो बॉब जैकिंस है वो जो है मैगी को अपने साथ रहने के लिए प्लेस देता है। फिर इसको 2 लेटर मिलते हैं, एक लेटर आता है स्टीफन की तरफ से और एक आता है फिलिप की तरफ से। लेकिन ये दोनों लेटर मिलने से पहले ना, जो स्टीफन है उसको अपने फादर की तरफ से लेटर आता है, जो कि उसको रियलाइजेशन देता है कि उसने मैगी के साथ गलत किया, उसने रेपुटेशन को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया। और उस टाइम पे डॉक्टर कैन होते हैं क्लर्जीमैन, वो कोशिश करते हैं मैगी की हेल्प करने की और उसको जॉब देते हैं एज अ गवर्नेस, ठीक है, टू हिज चिल्ड्रन। लेकिन जो रूमर्स थी वो फैलती गई थी मैगी के अबाउट और स्टीफन के अबाउट। फिर उसके बाद जो है ल्यूसी वो बड़ा अनवेल होती है, सिक होती है, और बड़ा शॉक होती है मैगी और स्टीफन के बारे में सुनकर कि कैसे इकट्ठे भाग गए थे। लेकिन एक रात वो विज़िट करती है मैगी को, उसको कहती है कि अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी हुई है और वो दोबारा कहीं कभी कभी मैगी से मिलने के लिए आया करेगी। और मैगी को फिर मिलते हैं 2 लेटर्स जो मैंने कहा था ना, वो बाद में मिलते हैं। तो वो लेटर्स मिलते हैं, एक आता है फिलिप की तरफ से जो उसको बताता है कि वो उसको कभी भी ब्लेम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो जानता है वो गलत हो ही नहीं सकती, तो कहता है कभी भी तुम गिल्ट ना फील करना इस पेस के ऊपर। और एक आता है स्टीफन की तरफ से जो कि उसको अपील करता है कि तुम वो उससे शादी कर ले,
और साथ में जो स्टीफन है वो लेटर भी लिखता है ल्यूसी को कि जो मैगी है उसका कोई कसूर नहीं, कसूर सारा मेरा है। ल्यूसी जाके मैगी से वो अपोलोजाइज भी करती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, एक फ्लड आता है और जो मैगी है वो फील करती है कि पूरी जगह फ्लड आ रहा है, हर जगह सैलाब आ रहा है, पानी पानी इकट्ठा हो रहा है। बॉब और उसकी फैमिली को उठाने के बाद ये एक बोट लेती है और डोर कॉट मिल में जाती है, जहाँ पे मिसेस टुलिवर और टॉम रह रहे होते हैं। मिसेस टुलिवर जो है वो तो सेफली वहाँ से बच जाती हैं, लेकिन जो टॉम है वहाँ पे ट्रबल में फंस जाता है। जो मैगी है वो भी वहाँ पे ट्रबल में होती है। मैगी टॉम की हेल्प करने की कोशिश करती है और मैगी जब टॉम को बचाने जाती है तो उनकी जो बोट है वो बोट ही दोनों की उलट जाती है और दोनों बहन भाई एक दूसरे के गले लग कर डूब जाते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए हैं दोनों बहन भाई, और यहाँ पे ये जब डूब जाते हैं फिर इन दोनों की डेथ हो जाती है। तो वो जो सस्पिशंस थी मदर की वो क्या हुई, कम्स ट्रू, सच हो गई हैं। सो एट द एंड ऑफ द स्टोरी एवरी वन एल्स सर्वाइव्स द फ्लड एंड द सिबलिंग्स आर बरिड नेक्स्ट टू वन अनदर। ठीक है, ये हुआ हमारा ख़त्म। अब हम बात करते हैं थीम्स की। तो थीम्स हमारे जो इसके अंदर आ रहे हैं वो है लॉस ऑफ इनोसेंस, प्रोग्रेस वर्सेस ट्रेडिशंस, नॉस्टैल्जिया और वगैरह वगैरह, मींस टू से रिनन्सिएशन एंड सेक्रीफाइस, द डिफिकल्टी ऑफ चॉइस, जेंडर डिस्पेरेटरी, कम्युनल वर्सेस इंडिविजुअल इंटरेस्ट, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आपको शो हो रहे होंगे ये स्टेटमेंट्स एज इट इज़ पेपर में आती हैं और रिपीटेडली आती रहती हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। इज़ द मिल ऑन द फ्लॉस अ फेमिनिस्ट नॉवल? अच्छा, नेक्स्ट है डू द कंसर्न्स ऑफ द मिल ऑन द फ्लॉस रिलेट टू 1830s इंग्लैंड? नेक्स्ट है मेक अ केस फॉर इधर फिलिप टॉम स्टीफन और अनदर करेक्टर एज द करेक्टर हु इज डिपिक्टेड एज हैविंग द मोस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द मैगीज करेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ द नरेटर, वॉट इज द पर्पज ऑफ हैविंग अ नरेटर टेल द स्टोरी इन द पास्ट टेंस, विद हुम डज द नरेटर सिंपथाइज, वॉट वैल्यूज डज द नरेटर अपहोल्ड, वॉट डज द नरेटर आस्क फॉर द फ्रॉम द रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वॉट सेंस इज द मिल ऑन द फ्लोस अ स्पिरिचुअल नॉवल? नेक्स्ट है हाउ डज इलियट यूज वाटर इमेजरी, डज दिस इमेजरी रिलेट टू द फ्लोस, वॉट डज द फ्लोस सिंबलाइज। नेक्स्ट है इज मिस्टर टुलिवर अ ट्रेजिक करेक्टर, इज ही अ ट्रेजिक हीरो? नेक्स्ट क्वेश्चन है इज मिस्टर टुलिवर अ ट्रेजिक करेक्टर, ये तो मैंने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है डिस्कस द डॉटसन्स एज अ ग्रुप, आर देयर वैल्यूज अपहेल्ड? नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन करेक्टर्स ऑफ टॉम टुलिवर एंड मैगी टुलिवर। और आपको पता है जो लास्ट क्वेश्चन है ना मुझे मेरे पेपर में आया था। तो यहाँ पे वो हमारा नोवेल हर लिहाज से इन डिटेल समरी के साथ कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर क्लासमेट्स टू। थैंक यू सो मच, आपका एक शेयर मैटर्स अलॉट फॉर मी। अल्लाह हाफिज़।